जावा सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। अब हम देखेंगे जावा के इस फुल कोर्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज कलेक्शंस। हार्ट ऑफ द जावा इसे कहा जाता है कलेक्शंस को। कलेक्शंस जावा का एक फ्रेमवर्क होता है जिसे आप API भी बोल सकते हैं, जिसमें सारी चीज़ें पहले से ही की गई हैं, ठीक है, प्री डिफाइंड है। आपको बस कलेक्शंस को यूज़ करना आना चाहिए अपने प्रोजेक्ट में। इससे क्या होगा, आपका समय बचेगा, आपको खुद कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए जानते हैं ये कलेक्शंस होता क्या है। जावा कलेक्शंस आर द सेट ऑफ प्री डिफाइंड क्लासेस एंड इंटरफेसेस। जावा कलेक्शंस में बहुत सारे प्री डिफाइंड क्लासेस और इंटरफेसेस हैं जो पहले से ही इम्प्लीमेंटेड है। दैट हेल्प्स प्रोग्रामर टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस लाइक सॉर्टिंग, सर्चिंग, ट्रावर्सिंग, उसके बाद स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डेटा एफिशिएंटली। ये जो प्री डिफाइंड क्लासेस और इंटरफेस पहले से ही डिफाइंड किए गए हैं कलेक्शंस में जावा के, वो प्रोग्रामर की बहुत मदद करते हैं। कैसे, अगर आपको जो भी डेटा स्ट्रक्चर आपको याद होगा, अगर आप C++ पढ़े होंगे, तो वहाँ पे अगर मैं आपको बोल दूँ सी लैंग्वेज में आप लीफ ऑपरेशन परफॉर्म करो, तब आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैक बनाना पड़ेगा। तो वहाँ पे आप स्टैक खुद से इंप्लीमेंट करेंगे पहले, उसके बाद लीफ ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे। अगर मैं कहूँ फीफो ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाओ सी लैंग्वेज के डेटा स्ट्रक्चर में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले क्यू को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद आप फीफो परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन जावा में आपको कुछ नहीं करना, प्री डिफाइंड क्लासेस मौजूद है, आपको बस उन्हें यूज़ करना आना चाहिए। आपका ये सारा काम वहाँ उस क्लास में इंप्लीमेंट किया गया है। अगर आप कुछ भी डेटा स्ट्रक्चर का ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते हैं, जैसे सॉर्टिंग, सर्चिंग, ट्रावर्सिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, डेटा स्ट्रक्चर में हम इन्हीं काम को करते हैं, तो आपको इनके लिए कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको बस प्री डिफाइंड क्लास यूज़ करना है, आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कलेक्शंस का हायरार्की। ये हायरार्की है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी रेक्टेंगल सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इंटरफेस है, जैसे ये दोनों इंटरफेस है। हमारा जो भी सर्कल होगा वो सर्कल से जिसे हम डिनोट करेंगे वो हमारा क्लास होगा, और डॉट डॉट एरो से जो भी रिप्रेजेंट करेंगे वो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किए हुए इंटरफेस होंगे या फिर क्लास होंगे, और ये जो डार्क एरो है ये हमारा एक्सटेंड को रिप्रेजेंट करेगा। तो इटरेबल हमारा रूट इंटरफेस है, यानी सुपर सभी का बॉस है ये। इसके अंडर में आता है कलेक्शन इंटरफेस, और इस कलेक्शन के अंडर में आता है तीन और इंटरफेस, लिस्ट, क्यू, सेट। अगर हम लिस्ट इंटरफेस की बात करें तो लिस्ट इंटरफेस में ये चार प्री डिफाइंड क्लास है, ठीक है, ये इंटरफेस है लेकिन ये सभी क्लास है। तो अगर आपको एरे लिस्ट क्लास को यूज़ करना आता है, तब आप क्या कर सकते हैं, एरे बना सकते हैं, रन टाइम में जितना वैल्यू चाहे इनपुट ले सकते हैं, एरे में डिलीट कर सकते हैं, एरे की किसी भी पोजीशन पे एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, ये सभी चीज़ आप कर सकते हैं। ये क्लास का बस आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, बाकी इसका कोडिंग पहले ही जावा करके रखा हुआ है। इसमें बहुत सारे प्री डिफाइंड मेथड होते हैं। इसी तरह अगर आपको लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट करना है जावा में, तो आपको लिंक लिस्ट क्लास यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। आपको लिंक लिस्ट को इंप्लीमेंट नहीं करना पड़ेगा, बस आप लिंक लिस्ट क्लास को ऑब्जेक्ट बनाइए और अपना काम स्टार्ट करिए। वेक्टर क्लास के अंदर आता है स्टैक क्लास, जो कि स्टैक एक्सटेंड किया हुआ वेक्टर को। अगर आपको लीफो ऑपरेशन परफॉर्म कराना है तब आप स्टैक क्लास को यूज़ करेंगे। तो इसमें से जितने भी मेन मेन क्लासेस है उनका प्रैक्टिकल हम आपको दिखाएंगे करके, ठीक है। लेकिन क्यू इंटरफेस की अगर हम बात करें तो इसमें एक और इंटरफेस आता है DQ। DQ इंटरफेस के अंदर में आता है एरे क्यू। एरे क्यू एक क्लास है जो कि DQ इंटरफेस को क्या किया हुआ है, इंप्लीमेंट किया हुआ है। इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया जाता है और एक क्लास दूसरे क्लास को एक्सटेंड करता है। तो अगर आपको फीफो ऑपरेशन परफॉर्म करना है जावा में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तब आप एरे DQ क्लास यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको भी आपको फीफो के लिए क्यू को इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस आपको इस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना है और अपना रिक्वायरमेंट पूरा कर लेना है। और प्रायोरिटी क्यू एक और क्लास होता है क्यू इंटरफेस के पास, ठीक है। अब हमारे पास एक और इंटरफेस है सेट। सेट के अंदर भी एक प्री डिफाइंड क्लास होता है सॉर्टेड सेट, और इसको क्या हुआ, ये हमारा जो सॉर्टेड सेट है ना, ये हो गया अपना इंटरफेस, ठीक है, ये इंटरफेस है, इसीलिए इसको हम
रेक्टेंगल से डिनोट कर रहे हैं। तो सॉर्टेड सेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया हुआ है हमारा ट्री सेट क्लास, ठीक है। अभी सेट इंटरफेस के पास ना और दो प्री डिफाइंड क्लास होते हैं जो कि डायरेक्टली इंप्लीमेंट किए हुए हैं सेट इंटरफेस को, हैश सेट लिंक्ड हैश सेट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, स्टैक और एरे डी क्यू, ये चार बहुत ही इंपॉर्टेंट कलेक्शंस प्री डिफाइंड क्लास है, तो इनका हम प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको करके दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जावा कलेक्शंस का प्रैक्टिकल। सबसे पहले हम एरे लिस्ट प्री डिफाइंड क्लास का प्रैक्टिकल देखेंगे। तो एरे लिस्ट क्लास को यूज़ कैसे करते हैं, यूज़ करने के लिए आपको एरे लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, हमें लिखना पड़ेगा एरे लिस्ट अपने क्लास का नेम, फिर किस तरह का वैल्यू आप अपने एरे में स्टोर करना चाहते हैं आप यहाँ पे वो लिखेंगे। मुझे स्ट्रिंग टाइप का करना है तो मैं स्ट्रिंग लिखूंगा यहाँ पे। उसके बाद एक वेरिएबल का नेम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो हम वेरिएबल का नेम ले लेते हैं नेम, ये हमारा एरे वेरिएबल का नेम है। फिर न्यू कीवर्ड, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे, फिर अपने क्लास का नेम एक बार फिर लिखना है, उसका टाइप बताना किस तरह का वैल्यू इसमें रहेगा, और ये पैरेंथेसिस। हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट इसलिए क्रिएट किए एरे लिस्ट क्लास का क्योंकि ये प्री डिफाइंड इम्प्लीमेंटेड क्लास है, हमें बस इसे यूज़ करना है, इसका कोड नहीं लिखना है, ठीक है। इसीलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाओ, यूज़ करो। अभी ये यूटिल पैकेज में है तो हम क्या करते हैं, यूटिल पैकेज को इम्पोर्ट कर लेते हैं, तब इसको यूज़ कर पाएंगे। अब एरे हमारा बन चुका है, एरे ऑब्जेक्ट बन के रेडी है, एलिमेंट इंसर्ट करने की देरी है। तो कैसे इंसर्ट होगा, हमें वेरिएबल का नेम लिखना पड़ेगा नेम डॉट ऐड, एक प्री डिफाइंड मेथड होता है एरे लिस्ट क्लास का, इसके थ्रू आप एरे में एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे अंकित, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, और भी ऐड करने हैं तो आप लिख सकते हैं नेम डॉट ऐड अंकुश, मुझे एक और करना है, आप जितना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। रन टाइम में आपका उतना ही मेमोरी बनेगा जितना एलिमेंट आप ऐड करेंगे, अल्ताफ। तो ये तीन एलिमेंट हम ऐड कर लिए। अब अगर हमें प्रिंट करना है तो हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और प्रिंट कर देंगे यहाँ पे नेम को। कोड को रन करेंगे तो ये तीनों प्रिंट होना चाहिए, देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए अंकित, अंकुश, अल्ताफ प्रिंट हो चुका है। अब अगर आपको और भी एलिमेंट अपने एरे में ऐड करना है तो आप कैसे करेंगे, आपको लिखना पड़ेगा नेम डॉट ऐड। अब मान लो मुझे एक और एलिमेंट ऐड करना है, उसका नाम रहेगा अनीस। तो अभी अनीस हमारा ऐड हो चुका है, ठीक है। क्या करते हैं, प्रिंट करके दिखा देते हैं हुआ है कि नहीं। यहाँ पे प्रिंट एलन लिख देते हैं, ये पुराना एरे है और ये अभी नया एरे, इसमें अनीस भी रहेगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा नया वाला एरे में लास्ट में देखिए अनीस ऐड हो गया। तो अगर आप इस तरह से ऐड करते हुए चलेंगे तो एलिमेंट लास्ट में ही ऐड होगा, ठीक है। लेकिन मान के चलिए कि मुझे बिगिनिंग में या फिर मिडिल में ऐड करना है, मुझे मिडिल में एलिमेंट ऐड करना है, मैं चाहता हूँ अंकित के बाद रोहित प्रिंट हो, उसके बाद अंकुश आए। तो कैसे करेंगे, अंकित के बाद रोहित आना चाहिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेम डॉट ऐड। तो देखो अंकित के बाद ना, तो अंकित के बाद का इंडेक्स नंबर क्या, वन है। वन पोजीशन पे क्या प्रिंट होना चाहिए, एरे के वन पोजीशन पे प्रिंट होना चाहिए रोहित। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे एरे को, और यहाँ पे भी प्रिंट एलन लगा देते हैं, ठीक है। अभी देखिएगा हमारा रोहित मिडिल में ऐड होगा हमारे एरे में। एक सेकेंड, आउटपुट स्क्रीन दिखाते हैं। ये देखो, ये हमारा स्टार्टिंग का एरे था तीन एलिमेंट का, फिर हम अनीस ऐड किए, दूसरा एरे एंडिंग में एलिमेंट ऐड हो रहा था लेकिन हमें मिडिल में करना था। तो हम मिडिल में ऐड करने के लिए पोजीशन बताया कि किस पोजीशन पे ऐड करना है, एरे के वन पोजीशन पे। देखो अभी रोहित ऐड हो चुका है। तो इस तरह से आप मिडिल में, एंडिंग में, बिगिनिंग में ऐड करना है। कैसे करेंगे, बिगिनिंग का भी दिखा देते हैं। तो देखो हमें कुछ भी कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। बिगिनिंग का इंडेक्स नंबर होता है जीरो, हम चाहते हैं बिगिनिंग में ऐड हो जाए हमारा आमिर। आमिर हमारा एकदम स्टार्टिंग में प्रिंट होना चाहिए एरे का बिगिनिंग पोजीशन पे। अभी क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अभी देखिएगा एरे को, ये देखो आमिर एकदम स्टार्टिंग में ऐड हुआ है कि नहीं, बिल्कुल ऐड हुआ है। और ये हमारा प्रीवियस एरे भी है, बाकी सब एरे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं।
तो मैंने आपको एरे के बिगनिंग में, एंडिंग में, मिडिल में, हर पोजीशन पे एलिमेंट क्या करके दिखाया, इंसर्ट करके दिखाया, ऐड करके दिखाया। अब रिमूव करके दिखाते हैं कि कैसे रिमूव करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको रन करके देख लेते हैं। एक फ्रेश एरे है, मुझे अंकुश को रिमूव करना है। कैसे रिमूव करूंगा मैं, मुझे लिखना पड़ेगा नेम डॉट रिमूव। तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर, अंकुश का इंडेक्स नंबर है 1, तो यहाँ पे मुझे 1 लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने 1 लिखा, अब अगर हम अपने एरे को प्रिंट करेंगे तो अंकुश नहीं रहेगा हमारे एरे में। यहाँ पे देखिए, पहले वाले एरे में ये एलिमेंट था, अंकुश था, और दूसरे वाले एरे में हमने अंकुश को हटा दिया, अंकुश रिमूव हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने एरे के एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए आप एरे के किसी भी एलिमेंट को रिप्लेस करना चाहते, उसका वैल्यू चेंज करना चाहते, तो कैसे करेंगे, ठीक है। रिमूव तो हमने कर लिया, रिमूव वाले जगह पे ही बता देते। यहाँ पे एक मेथड होता है सेट, ठीक है। हम चाहते हैं कि अंकित का वैल्यू हो जाए रोहित, ठीक है, अंकित रिप्लेस हो जाए रोहित के साथ। तो अंकित का पोजीशन है 0, तो 0 पोजीशन पे अंकित के जगह पे आ जाए रोहित, और अंकित हट जाए, ठीक है, वहां पे रोहित आ जाए। चलो रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले 0 पोजीशन पे अंकित था, लेकिन अभी 0 पोजीशन पे रोहित है। तो ये सेट मेथड क्या करता है, वैल्यू को रिप्लेस कर देता है। अब अगर आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं, किसी एक वैल्यू को आप प्रिंट करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे अपने वेरिएबल का नेम डॉट डॉट गेट। एक मेथड होता है, इसमें आपको वो नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा। हम चाहते हैं सिर्फ अल्ताफ प्रिंट होता, अल्ताफ का पोजीशन है 2, तो अभी सिर्फ अल्ताफ प्रिंट होगा हमारा सेकेंड एरे में। तो यहाँ पे देखिए, सेकेंड वाले एरे में सिर्फ अल्ताफ प्रिंट हुआ, जबकि पुराना वाला एरे का सभी एलिमेंट आया है, क्योंकि पुराना वाला हम पूरा प्रिंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने आपको सेट मेथड, गेट मेथड, ऐड, रिमूव, ये सब चीज करके दिखाया। अगर आप एक बार में अपने एरे के सभी एलिमेंट को क्या करना चाह रहे, डिलीट करना चाह रहे, तब आप क्या यूज करेंगे, तब आप यूज करेंगे क्लियर मेथड। जैसे हम लिखेंगे नेम डॉट क्लियर, तो क्लियर मेथड क्या करेगा, सब पूरा साफ कर देगा, एक बार में हटा देगा। जैसे अभी तो हमारा एक एरे ये वाला प्रिंट होगा, और सेकेंड एरे में हमारा कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, सेकेंड वाला एरे हमारा बिल्कुल एम्प्टी है, क्योंकि क्लियर मेथड ने सभी एलिमेंट को डिलीट कर दिया, ठीक। तो एक बार में डिलीट करने के लिए इसको यूज करेंगे। अगर एक एक करके किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को चुन चुन के डिलीट करना है, तब हम रिमूव मेथड को यूज करेंगे। तो ये हो गया हमारा एरे लिस्ट प्रीडिफाइंड क्लास, जिसमें हम एरे को खुद से इम्प्लीमेंट नहीं किए, ये पहले से ही जावा इम्प्लीमेंट करके रखा हुआ है एरे लिस्ट प्रीडिफाइंड क्लास को। हमें बस उसे यूज करना है और अपना सारा काम करना है। यही काम अगर आप नॉर्मल एरे को बना के करेंगे, तो आपको बिगिनिंग में एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए उस तरीके से एरे बनाना पड़ेगा, उस तरीके से लॉजिक इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, एंडिंग के लिए अलग से करना पड़ेगा, मिडिल के लिए अलग, किसी भी एलिमेंट को रिप्लेस करना है, वैल्यू चेंज करना है, तो उसके लिए अलग करना पड़ेगा। लेकिन इसमें कुछ नहीं करना है, प्री डिफाइंड मेथड है एरे लिस्ट क्लास के पास, उसकी मदद से सब काम बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। अब चलिए सेकेंड प्री डिफाइंड क्लास की बात करते हैं, जिसका नाम है लिंक्ड लिस्ट। लिंक लिस्ट क्लास को यूज करने के लिए यहाँ पे एरे लिस्ट के जगह पे लिंक लिस्ट क्लास का क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एरे लिस्ट के जगह पे क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। एरे लिस्ट में एरे क्रिएट होता है, और एरे टाइप का मेमोरी क्रिएट होता है, और एरे में एलिमेंट स्टोर होता है। लिंक लिस्ट में क्या होगा, लिंक लिस्ट हमारा बनेगा, लिंक लिस्ट के फॉर्म में एलिमेंट हमारा स्टोर होगा कंप्यूटर मेमोरी में, वो भी डबली लिंक लिस्ट के फॉर्म में। तो यही डिफरेंस होता है दोनों में। तो लिंक लिस्ट यूटिल पैकेज में है, तो इंपोर्ट करने बोल रहा, तो इंपोर्ट कर लेते हैं। अभी एरे लिस्ट वाले पैकेज का कोई काम नहीं है। अब हम लिंक लिस्ट क्लास को बताएंगे आपको, ये हमारा लिस्ट इंटरफेस का सेकेंड क्लास है, ठीक है। तो ये 3 एलिमेंट है, प्रिंट कर देंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा अभी। तो देखो, अभी हमारा ये 3 प्रिंट हुआ है। आपको यहाँ पे आउटपुट में तो कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, लेकिन आपको डिफरेंस इतना ही बोलना है कि एरे लिस्ट में एरे के फॉर्म में एलिमेंट स्टोर होता है, लिंक लिस्ट में डबली लिंक लिस्ट के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। अब
अगर इसमें भी एलिमेंट ऐड करना हुआ तो कैसे करेंगे, मान लीजिए बिगिनिंग में ऐड करना है तो इसके पास ना एक मेथड होता है ऐड फर्स्ट नाम का, ठीक है। आपको क्या करना है, हम चाहते हैं लिंक लिस्ट के बिगिनिंग में रोहित ऐड हो जाए, तो अभी बिगिनिंग में रोहित ऐड हो चुका है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। बिगिनिंग में रोहित देखिए, ये देखिए पहले नहीं था लेकिन अभी बिगिनिंग में ऐड हो चुका है। तो लिंक लिस्ट के पास ये मेथड है ऐड फर्स्ट। अगर आपको लास्ट में ऐड करना है तब क्या करेंगे, नॉर्मल ऐड करते हैं अगर तो क्या होता है, ठीक है, नेम डॉट ऐड, नॉर्मल एक एलिमेंट हम ऐड करते हैं आमिर, तो ये कहाँ पे ऐड होगा देख लेते हैं हम चेक करके। तो अगर नॉर्मल ऐड करेंगे तो वो एंडिंग में ही ऐड होगा, लेकिन रेकमेंड किया जाता है कि अगर आप लिंक लिस्ट के साथ काम कर रहे और एकदम एंडिंग पोजीशन पे एलिमेंट ऐड कर रहे तो आप यहाँ पे लिखो ऐड लास्ट प्रोफेशनल, ठीक है, बस इसीलिए और कुछ नहीं, ताकि कोई भी देखते ही समझ जाए कि ये आमिर लास्ट में जाके ऐड होगा, ये रोहित स्टार्टिंग में ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आमिर लास्ट में है, रोहित स्टार्टिंग में है, तो इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। मिडिल में ऐड करना हुआ कैसे करेंगे वो भी आपको जानना चाहिए भाई, नेम डॉट ऐड, उसके बाद ये वाला ऐड, मिडिल में हम चाहते हैं कि अंकुश और अल्ताफ के बीच में अनिस भी आ जाए, ठीक है। तो क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे तो रोहित है 0 1 2 3, 3 यहाँ पे देना पड़ेगा नंबर, 3 पोजीशन पे क्या आ जाए, 3 पोजीशन पे आ जाए अनिस, उसके बाद अनिस को कर देंगे हम प्रिंट। अभी देखिएगा यहाँ पे देखिए अंकुश और अल्ताफ के बीच में अनिस आया कि नहीं, बिल्कुल आया, 0 1 2 3 पोजीशन पे अनिस प्रिंट हो चुका है। तो मिडिल में, बिगनिंग में, एंडिंग में, इस तरह से आप लिंक लिस्ट में एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। डिलीट करने का भी सेम स्टाइल है, कैसे, ये सबको ना हटा दो कोई काम नहीं। अब मान लो मुझे रिमूव करना है एलिमेंट, कैसे रिमूव होगा, मेरे को लिखना पड़ेगा नेम डॉट रिमूव। अगर हम सिर्फ रिमूव लिख देते हैं तब क्या होगा देखते हैं, प्रिंट करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, उसके बाद यहाँ पे नेम को प्रिंट करते हैं, क्या अभी कोड रन करेगा देखते हैं। तो जैसे ही हमने कोड को रन किया आउटपुट स्क्रीन में अभी आप कुछ भी नहीं देख पा रहे, क्यों नहीं देख पा रहे, सम टेक्निकल प्रॉब्लम। अच्छा यहाँ पे अभी हमारा रिफ्रेश हो रहा, ठीक है, आप आउटपुट देखिए, आउटपुट प्रिंट हुआ है। तो रिमूव मेथड यहाँ पे क्या कर रहा, बिगिनिंग से एलिमेंट को अपने आप हटा रहा, ठीक है, इसका डिफॉल्ट नेचर है बिगिनिंग से हटाना लिंक लिस्ट के एलिमेंट को, लेकिन मुझे मिडिल से हटाना है, मान लीजिए मुझे अंकुश को हटाना है, अंकित को रहने देना है, तो अंकुश का पोजीशन है इंडेक्स नंबर 1, तो अभी सिर्फ अंकुश हटेगा, ठीक है, तो ये टाइम ले रहा गाइस, ठीक है, क्योंकि मेरा स्क्रीन भी रिकॉर्ड हो रहा, इक्लिप्स भी चल रहा। तो अभी देखो मिडिल का एलिमेंट अंकुश हटा दिया, क्योंकि अंकुश का हमने पोजीशन यहाँ पे डिफाइन कर दिया, लेकिन जब भी स्टार्टिंग या फिर एंडिंग का एलिमेंट हटाने की बात हो ना, बिगिनिंग वाला हटाने की बात हो, तो रिमूव फर्स्ट मेथड यूज करो, ठीक है, तो ये अपने आप बिगिनिंग वाला हटाएगा। यहाँ पे हम कोड को रन किए तो आप देखिएगा अंकित अभी हमारा डिलीट रहेगा, अंकुश और अल्ताफ हमारा प्रिंट होगा, ये देखो प्रिंट हुआ, और एंडिंग वाला हटाना होगा तब आप यूज करेंगे रिमूव लास्ट। वैसे सिर्फ रिमूव लिखने से भी लास्ट वाला एलिमेंट ही हमारा हट रहा, लेकिन आपको रिमूव लास्ट लिख के एंडिंग वाला एलिमेंट हटाना है, अच्छा लगता है कि हाँ ये लास्ट वाला एलिमेंट डिलीट हो रहा, किसी को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, कोई कोड देख के ही समझ जाएगा। तो यहाँ पे आउटपुट आया, देखिए एंडिंग वाला अल्ताफ हमारा रिमूव हो चुका है। तो इस तरीके से आप लिंक लिस्ट में काम कर सकते हैं, फॉर ईच लूप के थ्रू अगर आप वैल्यू प्रिंट करें तो वो बेटर रहेगा। जैसे अभी ये हटाते हैं, हम अभी क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्टली वैल्यू को प्रिंट कर दे रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है फॉर ईच लूप के थ्रू, क्योंकि हम एरे में लिंक लिस्ट में इस तरह की कलेक्शन के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम एक प्रॉपर फॉर्मेट में काम करें। तो स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू है हमारे लिंक लिस्ट में, तो यहाँ पे str हमारा फॉर ईच लूप वेरिएबल रहेगा, और हम चाहते हैं कि
हमारे वेरिएबल लिंक लिस्ट वेरिएबल नेम का वैल्यू एक एक करके str में आए, उसके बाद वो प्रिंट हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट यहाँ पे str को प्रिंट करेंगे। ये सही तरीका होता है, ठीक है। फोर इच लूप का यूज करिए जरूर एलिमेंट को फेच करने के लिए, प्रिंट करने के लिए। तो अभी देखिए फोर इच लूप कितना अच्छा तरीके से प्रिंट करेगा, एक एक लाइन में एक एक एलिमेंट। तो ये रिफ्रेश हो रहा, सिस्टम हैंग कर रहा मेरा, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। तो अभी देखो ये एक लाइन में ही प्रिंट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ln यूज नहीं किए। अब देखते हैं, तो देखो ये हमारा तीन लाइन में तीनों वैल्यू प्रिंट हुआ है। तो इस तरीके से आप फोर इच लूप जरूर यूज करेंगे अगर आप ऐसे वेरिएबल के साथ काम कर रहे जो अकेले मल्टीपल वैल्यू को होल्ड करके रखा है, तब आप उस वैल्यू को प्रिंट करने के लिए फोर इच लूप वेरिएबल जरूर यूज करिए, क्योंकि उसी काम के लिए इसको जावा ने इंट्रोड्यूस किया है। तो अब चलिए हम आपको स्टैक के बारे में बताते हैं कि स्टैक में कैसे काम करते हैं। स्टैक क्लास को यूज करने के लिए यहाँ पे स्टैक क्लास का क्या करना पड़ेगा, अपने को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। जो भी क्लास यूज करेंगे उसका ऑब्जेक्ट आपको सबसे पहले बनाना है, और यहाँ पे टाइप देने की जरूरत नहीं है, एक बार टाइप देने से इसमें चल जाता है, ठीक। तो स्टैक के पास ना एलिमेंट को पहले पैकेज इम्पोर्ट कर लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं, और इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लीफो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक का यही काम होता है, यहाँ पे कमेंट करके लिख दे रहे, फिर बाद में आप बोलेंगे कि नहीं हो रहा, ये होगा ये, ठीक है। ऐड मेथड भी काम करेगा एलिमेंट को ऐड करने के लिए स्टैक में, जैसे रन कर दें। तो अभी देखो ये तीन एलिमेंट हमारे स्टैक में है, ठीक है। लेकिन एलिमेंट को स्टैक मेमोरी में स्टोर करने के लिए स्टैक के पास स्पेशल मेथड होता है पुश। तो एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए हम पुश यूज करेंगे, और डिलीट करने के लिए हम पॉप यूज करेंगे, ठीक है। अभी भी अगर रन करेंगे तो कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा, तीन एलिमेंट हमारे स्टैक में हैं। अब हमें एलिमेंट रिमूव करना है, हम लिखेंगे नेम डॉट पॉप। पॉप मेथड क्या करेगा, रिमूव करेगा, लेकिन अलग स्टाइल में रिमूव करता है, ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे नेम, यहाँ पे। अब रन करते हैं, सेकेंड वाले को ध्यान से देखिए, हमने बोला था लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट में कौन इन किया था, अल्ताफ। जब डिलीट किए तो सबसे पहले कौन डिलीट हो गया, अल्ताफ, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, यही तो होता है स्टैक। तो ये स्टैक ऑपरेशन हमने आपको परफॉर्म करके दे दिया, ठीक है। आप चाहें तो ऐड और रिमूव मेथड भी यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टैक के साथ काम कर रहे मतलब पुश और पॉप ही आपको यूज करना है। अब क्यू फीफो ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कैसे होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे, हमें बनाना पड़ेगा एरे डी क्यू क्लास का ऑब्जेक्ट, एरे डी क्यू, यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा एरे डी क्यू, ठीक है, एरे DEQUE, स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे एरर मिलेगा। इंपोर्ट कर लेते हैं इसको, पैकेज को इंपोर्ट कर लिया, स्टैक वाला का कोई काम नहीं है, हटा देते हैं, नहीं भी हटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब काम नहीं है तो क्यों रखें यहाँ पे। अच्छा टाइप देना पड़ेगा तभी एरर शो कर रहा, स्ट्रिंग, बस काम हो गया हमारा। अब हम क्या कर सकते हैं, ये क्यों एरर दे रहा है, यहाँ पे दो रीजन की वजह से यहाँ पे ये रेड लाइन दिखा रहा, मतलब एरर है। सबसे पहली बात, यहाँ पे एरे का स्पेलिंग मिस्टेक है, दूसरी बात यहाँ पे टाइप डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगर कोड को रन करें तो फीफो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, ये पूरी गारंटी है। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में अपना एरे कुछ इस तरीके से था, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, अल्ताफ सबसे पहले आया, और जब रिमूव करने की बात आई सबसे पहले रिमूव हो गया। तो जब भी आप एरे क्यू या फिर एरे में काम करें ना, रेकमेंड किया जाता है कि ऐड मेथड यूज करें वैल्यू को ऐड करने के लिए, ठीक है, और डिलीट करने के लिए रिमूव ऐड करें, क्योंकि ये जो पुश और पॉप आप देख रहे ना, ये स्पेशली स्टैक के लिए बनाया गया है, ठीक है। अभी भी देखिए सेम आउटपुट हमारा आ रहा है,